हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक खूब ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लेमन के बारे में कुछ अनोखी बातें जानेंगे। अगर आप इसको नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ये कैरेक्टर सिंचन मूवी द स्पाई में दिखाई गई थी, जो कि एक जासूस थी और वो अपनी रियल आइडेंटिटी किसी को नहीं बताती सिवाय सिंचन के। तो गाइस, आज के इस वीडियो की एंड में आपको पता चलेगा कि लेमन का रियल नेम क्या था। लेकिन अभी बात करते हैं कि लेमन को सिंचन लाइक करता था या नहीं। गाइस, सिंचन द स्पाई मूवी खूब ज़्यादा मज़ेदार थी और उस पूरी मूवी में सिंचन और लेमन एक साथ रहे थे। लेकिन मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो हम देखते हैं कि सिंचन लेमन से बात करने में खूब ज़्यादा शर्मा रहा था और यहाँ तक कि सिंचन लेमन को ना जाने के लिए भी बोल देता है, जिससे ये साफ पता चलता है कि सिंचन लेमन को लाइक करने लगा था। लेकिन उसके बाद लेमन सिंचन को अपना रियल नेम बताती है, जिसे सुनने के बाद सिंचन लेमन से हाथ मिलाता है और बिना बाय बोले वहाँ से चला जाता है। आखिर लेमन का नेम क्या था, जिसे सुनने के बाद सिंचन भी चौंक गया। तो लेमन का नेम और कुछ नहीं, उसका नाम था तमिको किनेरी। और अगर आपने सिंचन की मूवी विलन और धुरन देखी है तो आपको पता होगा कि तमिको किनेरी कौन है। तमिको किनेरी सिंचन की फ्यूचर वाइफ है, जिस वजह से लेमन का रियल नेम सुनकर सिंचन भी चौंक गया था। लेकिन सिंचन को कैसे पता कि तमिको उसकी फ्यूचर वाइफ का नाम है? सो गाइस, इसका आंसर मैं बता दूं कि जापान में सिंचन की मूवी विलन और दुल्हन सिंचन की मूवी द स्पाई से एक साल पहले लॉन्च की गई थी। इसका मतलब सिंचन ऑलरेडी अपनी फ्यूचर वाइफ से मिल चुका था और जब लेमन का मुंह से उसने ये नाम सुना तो वो हैरान रह गया। गाइस, वैसे तो ये एक थ्योरी है, ऑफिशियली तौर पर लेमन का रियल नेम क्रेटस ने अभी तक नहीं बताया है। लेकिन मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि इस स्टोरी में मुझे सही होने के चांस 90% से ज़्यादा लगते हैं। सो बाकी मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपके इस पर क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।